आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव देहरी खादर में खेत पर काम कर रही युवती को तेंदुए ने बनाया निवाला। जनपद अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव देहरी खादर में खेत पर काम कर रही युवती को तेंदुए ने अपना शिकार बना डाला। युवती की मौत से गांव में कोहराम मच गया। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव देहरी खादर में रहने वाले रोशन सिंह की 18 वर्षीय बेटी जलधारा अपने माता और पिता के साथ खेत पर चारा काटने गई थी। खेत पर चारा काटते समय अचानक उसके ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ जलधारा को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था, तभी जलधारा की चीखें निकल गईं। जलधारा का शोर सुनकर पास में काम कर रहे उसके परिवार वालों के साथ साथ ग्रामीण इकट्ठा हो गए। शोरगुल सुनकर तेंदुआ मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में जलधारा के माँ बाप ने जलधारा को उठाया और सरकारी अस्पताल ले गए। रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, लड़की की मौत कैसे हुई है? ऐसे हम अस्पताल गया था, जब गर्दन पकड़ लिया आके, फिर नहीं छोड़ी बार गर्दन जो है एकदम जो है सीना में चप पड़ा था। इधर हम भाई के गए, इधर लड़की जो है गैर होश कर दिया, खत्म ही मान के चला। किसने गर्दन पकड़ी? कौन था वो? चीजें ने तो किसने देखा था? जानवर जानवर देखो, हमारी घरवाली ने देखो। अब क्या हुआ है? तो जब हमने हट हट करी तो एकदम जो पीछे हटा कुछ अजी, हम फिर हमें तो बहर आ गई, मतलब लड़की देखते पड़े जो। तो क्या वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है? नहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है? अभी नहीं। तो अब हमें चक्कर से आ गए जो है, हम बाहर आ गए, फिर हमने गांव में रोड मचाया, सब गांव में से आदमी आ गए, फिर गन्ना को गन्ना घुस गए, सब आदमी आ गए, सब बहुत पूरे गाँव जो गाँव धोरे पर ना गन्ना। सर, थाना हसनपुर में एक युवती जंगल से चारा लेने गई थी, उसको तेंदुए ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, क्या है सर पूरा मामला? एक्चुअली में जो फोटोग्राफ हम लोगों ने लिया, जो पिक्चर हम लोगों ने हासिल किया, कैसे उसे इस युवती की हत्या तेंदुए द्वारा की गई बहुत तब इसका मामला पूर्णतः संदिग्ध है, क्योंकि जितने भी फोटोग्राफ हम लोगों को प्राप्त हुए, वो चाहे पुलिस के माध्यम से चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से, डेड बॉडी की जो भी फोटोग्राफ हम लोगों ने देखे, उसको हम लोगों ने एक्सपर्ट के पास भेजा और वहाँ से ये हमको बताया गया कि मामला पूर्णतः संदिग्ध है। ये देखिए, जब भी कोई हमारा तो तेंदुआ जब पंजा मारता है तो कहीं कहीं से मांस निकला होता है या कहीं कहीं से कपड़े फटते, उसके कार्टून जब रखते हैं तो वो कपड़े द्वारा उसके तितर बितर हो जाते, कहीं अच्छा खासा घाव होता है, उसके नाखून तरह भरे होते हैं, तो निश्चित तौर पे वो उसका एक अलग ही लुक आता है। लेकिन इस अवधि की बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मामला तेंदुए का नहीं बल्कि कुछ और भी मामला है जो पुलिस की छानबीन का विषय है। वैसे यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो हम लोग अपनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमने उसके नाम, पिता का नाम, राम ग्राम प्रधान का नंबर, एसओ का नंबर, सारा कुछ ले रखा है कि इंतजार है मुझे। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि इससे पहले भी फूलपुर में एक युवती की हत्या हुई थी, आरोप लगा कि तेंदुए ने मार दिया, लेकिन परसों अभी उसका जाके खुलासा हुआ और निष्कर्ष ये निकला कि नहीं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हुआ कि दवा दवा कर हत्या की गई थी और चाकुओं से उसके गर्दन के निशान बनाए गए थे और छुपाने के लिए मामला तेंदुए का रूप दे दिया गया। बाद में परसों वर्षों में यशो सी ओ ने हसनपुर के ये मामले को पूरी तरह से खोल करके चले गए। मुझे प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसे ही प्रतीत हो रहा है।